लाइफ स्टाइल आप हमारा देख रही हैं, मेरे पास 7-8 गाड़ियां अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब कुछ यूट्यूब से। ये हैं शेफ रिजवान, जिन्होंने अपने काम की शुरुआत छोटे से फूड स्टॉल से की, मगर हालात ने करवट बदली तो सब इन्हें तन्हा छोड़ गए। मगर रिजवान ने हिम्मत ना हारी और अपने बेटे के साथ मिलकर यूट्यूब चैनल बना लिया। आज ये यूट्यूब से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ इकरा बट। कहते हैं कि इंसान जब कुछ करने की ठान ले तो मंजिल तक पहुँच ही जाता है। आज आपकी मुलाकात ऐसे ही शख्स से करवाएंगे जिन्होंने यूट्यूब पर अपना चैनल बनाया बाबा फूड RRC के नाम से, और फिर वो वायरल भी हुआ। मगर इन्होंने अपने काम का आगाज़ एक स्टॉल से किया था और आज वो ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जिसकी ख्वाहिश मैं, आप और लाखों लोग करते हैं। तो आइए चलते हैं, जानते हैं इनसे, इनकी कहानी मिलेंगे इनसे, और आपको इनका घर भी दिखाएंगे कि आज वो कैसी ज़िंदगी गुजार रहे। तो आइए मेरे साथ। सर ये बताएंगे, जब आप मुल्तान में काम कर रहे थे तो क्या शुरू से खाने का ही काम कर रहे थे? जी इकरा, मैं शुरू से ही खाने का ही काम कर रहा था। मैं एक स्टॉल लगाता था बर्गर का, समोसे का, पकौड़े का। बनाते थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद बनाता था, मेरी मिसेज मेरी हेल्प करती थी, घर से हम चीज़ें तैयार करके ले जाते थे। बच्चे उस टाइम छोटे थे, ये भी हेल्प थोड़ी बहुत कर देते थे, लेकिन उतने नहीं कर सकते थे, लेकिन वो मैं और मेरी मिसेज करते थे हम इस काम को। फिर आप मुल्तान से नारोवाल आए? मुल्तान से हम नारोवाला। नारोवाल आके आपने क्या काम शुरू किया? नारोवाल आके 1.5 से 2 साल तो हमें काम ही नहीं मिला। अच्छा। बड़े मुश्किल हालात थे, और इस टाइम पे आपको पता है जब मुश्किल वक्त मुश्किल हालात आप पे होते हैं तो बहुत सारे लोग आपका साथ छोड़ जाते हैं। लेकिन फिर हमने वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट पे ड्यूटी के लिए, जॉब के लिए, क्योंकि अपने अपना स्टॉल या रेड़ी या ढाबा लगाने के भी पैसे हमारे पास नहीं थे, तो फिर हमने कोशिश की, मैंने और रामिश ने, कि हम किसी ना किसी रेस्टोरेंट पे जॉब कर लें, और फिर मैंने वहाँ पे जॉब की। और तब रामिश कितने साल के थे? रामिश उस टाइम था कोई 16-17 साल का था। 16 साल की उम्र उन्होंने भी आपके साथ काम करा, मेरे साथ उसने दिया। रामिश ने मेरे साथ बहुत काम किया है, अली ने भी किया है, क्योंकि स्कूल के बाद जब स्कूल पढ़ते थे नारोवाल में, दो ही बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो स्कूल के बाद अली जो है वो मेरे साथ, जहाँ पे मैं रेस्टोरेंट पे काम करता था, जॉब मिली थी वहाँ पे, ये मेरे साथ ये जो बर्तन वाश हैं ये करवाया करता था, झाड़ू लगा दिया करता था। तो YouTube कैसे स्टार्ट किया, ये आइडिया किसका था, और फिर YouTube आपने कैसे शुरू किया? YouTube का आइडिया आपको पता है कि यंग जनरेशन जो है, बच्चे जो हैं उनका था, ये जो आइडिया है ये रामिश का था। क्योंकि जब मुख्तलिफ जगहों पे जब काम ढूंढने जाते थे, मैंने तकरीबन 5-6 जगहों पे नारोवाल में भी रेस्टोरेंट पे जॉब की है, लेकिन जब हम काम ढूंढने के लिए जाते थे तो वो लोग ऐसे तो नहीं काम दे देते थे, वो कहते थे कि आप फलां चीज़ बनाएं, फलां चीज़ बनाएं, फिर हम चेक करेंगे, फिर आपको बताएंगे। 3-4 दिन 5 दिन उस काम में लग जाते थे एक जगह पे हमें ट्राई देने के लिए, लेकिन फिर उसके बाद वो काम मिलता ना मिलता वो बाद की बात थी। तो फिर ये रामिश ने मुझे मशवरा दिया था कि बाबा आप एक सीवी टाइप बना लें, यूट्यूब पर वीडियो तैयार कर लें, कि जहाँ पे भी आप जॉब के लिए जाएं तो आप उनको ये वीडियो दिखा दें, अगर हमारी किस्मत कि मेरा में ये काम है, ये करता हूँ, हाँ जी ये करता हूँ, अगर हमारी किस्मत में होगी तो जॉब मिल जाएगी, नहीं होगी तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, हम और मजदूरी कर सकेंगे। तो आपको पता था कि जिसको मैं एज अ CV के तौर पर यूज़ कर रहा हूँ कल को यही मेरा एक जरिया माश बन जाएगा? सच बात बताऊँ तो नहीं पता था कि मुझे अल्लाह ताला इतनी तरक्की देगा, इस तरीके से लोग मुझे पसंद करेंगे। ठीक है मुझे कुकिंग आती थी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मल्टी शेफ़ हूँ, मैं सब कुछ जो चीज़ आग पे तैयार होती है मैं तैयार कर लेता हूँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगा। इसमें मेरी फैमिली का, क्योंकि ये साबित कदम रहे मुश्किल वक्त में, मेरी फैमिली, मेरी मिसेज, मेरे बच्चे साबित कदम रहे और मेरा इन्होंने साथ दिया, तो आज मैं इस मकाम पर पहुँचाऊँ। सर मुझे ये बताएं, कुकिंग का शौक़ आपको स्टार्ट से ही था खाने का, क्या आप बहुत ज़्यादा खाने के शौकीन थे कि कुकिंग आपने किसी से सीखी? यहाँ का होता है ना कि बच्चे सीखते हैं अपनी अम्मा को देखते हैं या बड़ी बहन को देखें तो वो खाना पकाना सीख लेते हैं लड़के, क्योंकि उम्र लड़कियाँ तो सीख ही लेती हैं, तो आपको ये शौक कैसे आया फिर? देखें शुरू से हमारा जो काम था वो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो जद्दी पुश्ती काम था वो हमारा कुकिंग से रिलेटेड था, लेकिन मैं जो है वो फास्ट फूड का काम जानता था, स्ट्रीट फूड का काम जानता था। कुछ खाने ऐसे हैं
देसी खाने जो जिनका मुझे पता नहीं था या उतना अच्छा मैं तैयार नहीं कर सकता था, वो मैंने अपनी मिसेज से सीखा। अच्छा, फिर आपने बीवी से क्लासेस ली? हाँ जी, उनसे सीखे, उन्होंने मुझे सिखाया और जो रेसिपियाँ उन्होंने मुझे बताई और मैंने वो अपलोड किए यूट्यूब पे, वो मिलियंस में गई अल्हम्दुलिल्लाह। कभी ऐसा हुआ कि एक वक्त का खाना खाया और शाम के खाने की फिक्र पता ही नहीं है, खाना आएगा, खाएंगे कि नहीं? एक बार नहीं, बहुत बार हुआ। बहुत बार हमने, एक तो होते हैं ना बुरे हालात होते हैं इंसान के, ये होता है, लेकिन एक इंसान को अचानक से ऐसे हो जाए कि जब इंसान कहीं शिफ्ट हो और उसको प्रॉब्लमें आती हों। खाने के लिए तो ये था कि जिस जगह पे मैं काम करता था वहाँ से हम समोसे ले आते थे और तंदूर से रोटी ले आते थे, फिर वही हम उसको खा लेते थे। वो 3-4 टाइम हम वो समोसे के साथ ही खाना खा लेते थे, और या फिर बिरयानी के साथ चावल जो होते थे रेस्टोरेंट पे, उसके साथ भी हम निवाला लगा के रोटी खा लेते थे। वो लोग जिन्होंने आपके उस हालात में साथ नहीं दिया, या चेहरे, बहुत से चेहरे बदलते हुए आपने देखे होंगे, रंग बदलते हुए देखे होंगे, जब वो आज इस मुकाम पर आपको देखते हैं तो अब उनका क्या रद्देअमल है? मैं इसका जवाब नहीं दे सकता भाई, वो क्या सोचते हैं मेरे बारे में, क्या कहते हैं, लेकिन मैं ये सब कुछ, जो कुछ इस मुकाम पे मैं हूँ, ये मैं अल्लाह की मदद के बाद, अगर मैं किसी को इस चीज़ का हकदार समझता हूँ कि उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, तो वो मैं अपने बेटों को और अपने मिसेज को समझता हूँ कि ये हर मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े रहे, इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। सर, इतने खाने आप पकाते हैं मज़े मज़ेदार, मुझे बताएं खुद सबसे ज़्यादा क्या शौक से खाना पसंद करते हैं? मैं जो है मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई पसंद करता हूँ और बहुत शौक से खाता हूँ। दाल मेरी मिसेज जो मैं उनसे बनवाता हूँ जब मेरा दिल चाहता है, तो वो मैं बहुत शौक से खाता हूँ, पसंद करता हूँ। और सादे खाने जितने भी हैं मैं पसंद करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि आपका एक दस्तरखान भी है, दस्तरखान है जहाँ फीस भी लीला लोगों को खाना खिलाते हैं, उसके पीछे क्या मकसद था, क्या सोच थी उस दस्तरखान को लगाने की? इकरा, मैंने साफ ज़ाहिर है कि मैंने भूख बर्दाश्त की थी, मेरे, और आपको पता था मेरे बच्चों ने भूख बर्दाश्त की थी, फिर जब अल्लाह ताला ने तरक्की दी थी तो फिर मैंने ये सोचा था। अभी भी मैं वो सीन, वो पिछली चीज़ें याद करता हूँ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। लोग, जब आप लोग तैयार हो रहे होते हैं ना, कोई चीज़ भी आप तैयार हो रही होती है, तो उसका उस टाइम लोग उसको नहीं देख रहे होते। जब वो चीज़ तैयार हो जाती है तो उस टाइम वो जब आपके सामने आती है तो आपको अच्छी लग रही होती है। जब आप जिस प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, जो जब वो चीज़ कितने थोड़े खा रही है, कितने वो हालात के, मैं ये समझता हूँ कि मैंने जितने धक्के मैंने और मेरी फैमिली ने खाए हैं, किसी ने खाए होंगे, लेकिन मैंने और मेरी फैमिली ने हालात की आंखों में आंखें डाल के बात की अल्हम्दुलिल्लाह, हम घबराए नहीं। फिर मैंने मेरे बेटे ने, रामेश ने FSC की हुई है प्री मेडिकल में, फिर मैंने उसकी पढ़ाई को क्लोज़ कराया, फिर मैंने अली की पढ़ाई को क्लोज़ करवाया और इनको अपने साथ लगाया। फिर रामेश अलग जॉब करता था, मैं अलग जॉब करता था, फिर हमारे घर का गुजर बसर होता था। कितना मुश्किल था और कितने साल लगे आपको? कोई भी चीज़ इकरा शॉर्टकट नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जब आप रेल में कोई काम करते हैं, मेरी शुरू से आदत रही है, मैंने जो काम भी किया, मैंने ढाबा लगाया, मैंने रेडी लगाई, जो काम मुझे आता था, क्योंकि अब यूट्यूब का काम तो रामेश ने शुरू किया था, तो रामेश ने इसके ऊपर अपने गिरफ्त को कंट्रोल किया। मैंने, मेरा काम किचन का था, रेसिपियाँ बनाना था, मैं उसमें सिंसियर रहा। जो रेसिपी मुझसे ठीक नहीं बनती मैं वो अपलोड नहीं करता, मेरी टीम वो करने नहीं देती। कभी-कभी खराब हो जाती हैं, कई दफ़ा ख़राब होती हैं। हाँ जी, हम वो अपलोड नहीं करते, क्योंकि कोई बंदा या कोई लेडीज़ जो है वो तैयार करे घर में, काफ़ी सारे हज़ारों में क्या लाखों में अब तादाद है उन लोगों की जो हमारी रेसिपियाँ देख के, ख़वातीन, मर्द, बच्चियाँ अपना घर से कारोबार कर रही हैं। मुझे 5 साल लगे यहाँ तक पहुँचने में, और लेकिन मैं लगातार इस काम पे लगा रहा और मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता रहा कि अल्लाह ताला आप मुझे कामयाब कर दो, आप मुझे कामयाब करो। मैंने बहुत बुरे हालात देखे हैं, अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया। तो क्या ये कह सकते हैं कि आप अब जिस वक्त जिस भी मुकाम पर हैं, इसके पीछे रामेश का जो है वो सबसे ज़्यादा मेन रोल है, क्योंकि डायरेक्टर भी वही है, प्रोडक्शन भी वही, आपकी टीम सारी हैंडल करते हैं, मैनेज भी वही करते हैं सब कुछ। मेरी कामयाबी के पीछे मेरे बेटे का हाथ था। ठीक है, मुझे कुकिंग आती थी, लेकिन जो IT का काम है, जो न्यू टेक्नोलॉजी है, जहाँ से आजकल आपको पता है जिद्दत आती जा रही है, ये मोबाइलों के जितने भी हैंडल हैं ये रामेश ने देखा, और टेक्निकल काम जितने भी थे वो रामेश ने देखे। मेरी मेहनत भी साथ थी इस पर, वो आप नहीं कर सकते, लेकिन रामेश ने इसको यूट्यूब को जिस तरीके से उसको लेके गया ऊपर, तो इसकी बहुत मेहनत है। उसके बाद अगर TikTok को ऊपर लेके जाने में जो है वो मेरे बेटे अली की मेहनत है।
ऑन द कैमरा तो आपकी मेहनत है, तो बिहाइंड द कैमरा सब रामेश करते हैं, और रामेश ही प्रोडक्शन टीम भी है, रामेश ही डायरेक्टर है, रामेश ही पीआर, सब चीज़ें है ना रामेश हैंडल करते हैं। तो हम चलते हैं रामेश की तरफ नाजरीन, और रामेश से करेंगे मजीद गुफ्तगू और जानेंगे कि वो पापा को कैसे यूट्यूब के ऊपर लेके आए। रामेश, बाबा से तो मैंने आपकी बहुत बातें कर ली, अब आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि आपको YouTube का आइडिया कैसे आया और फिर बाबा को कैसे आप YouTube पर लेकर आए। आइडिया बेसिकली मैं स्टार्ट से ही इन चीज़ों में इन्वॉल्व था ना, टेक्नोलॉजी की तरफ, मोबाइल्स की तरफ, वीडियोस बनाना, अपनी पिक्चर्स बनाता था, अपनी वीडियो क्लिप्स बनाता था। तो मैंने सोचा क्यों ना बाबा को, बाबा क्योंकि बहुत अच्छा खाना बनाते थे, बाबा का समोसा समझ लें, वर्ल्ड फेमस समोसा एक चीज़ होती है ना, वैसा था समोसा। तो मैं चाहता था कि कुछ ऐसा हो कि खाली एक कस्बा एक शहर बाबा को ना जाने, पूरी दुनिया बाबा को जाने। तो बेसिकली उसके पीछे ये सोच थी कि अगर हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हम इतने हार्ड वर्किंग है और हमारे हाथ में अल्लाह ने टेस्ट रखा है, तो मैं चाह रहा था कि वो पूरी दुनिया देखे, तो उसके पीछे ये सोच थी। सो बेसिकली मैंने उस सोच को मद्देनजर रखते हुए फिर चैनल बनाया। जो आपने नाम रखा बाबा फूड RRC, ये इसके पीछे क्या लॉजिक है? बेसिकली मैं और अली बाबा कहते थे, अक्सर लोग अबू कहते हैं, पापा का फादर, हम बाबा कहते थे। फिर बाबा वहाँ से आया, फूड जो है वो फूड आ गया। RRC का मतलब है रामेश रिजवान शेफ, मेरा नाम भी RRR है और बाबा का नाम भी रिजवान रिफाकत शेफ, तो फिर उसको मैंने RRC कर दिया, तो ये पूरा एक नाम बन गया। अब लगता है पता नहीं इसके पीछे बैठ के किसी ने पूरा एक नाम सोचा होगा, बस आपने ऐसे ही रख दिया, बस ये ऐसे ही रख दिया, बस बाबा फूड RRC, और अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में वो नाम मशहूर है। रामेश, आप अपने घर का हमें विजिट कराएं जरा, दिखाएं कि यूट्यूब से आपने क्या क्या बना लिया। सबसे बढ़ के जो YouTube से बनाया वो है लोगों के दिलों में और लोगों के घर के किचन में जगह बनाई है हमने। ठीक है, तो ये रामेश पहले मुझे ये बताइए कि ये अभी भी इतना बड़ा माशाल्लाह का घर है और घर में भी आपने ये चारपाई रखी हुई है, तो ये थोड़ा सा ना देहात वाला आपने बिल्कुल भी बाबा, इसकी क्या वजह है? बाबा को चारपाई पे लेटना पसंद है तो वो यहाँ लेटते हैं, तो देखिए उनके लिए चारपाई है, हमारे लिए चेयर्स है। तो ये है बेसिकली हम देसी और वलायती टच दिया हुआ है बिल्कुल, और यहाँ पे हम एक आउटडोर स्टूडियो प्लान कर रहे हैं। बहुत जल्द जब आउटडोर स्टूडियो प्लान हो जाएगा मैं तब भी आपकी पूरी टीम को इन्वाइट करूंगा। यहाँ पे पूरा एक बहुत प्यारा सेटअप हम करने वाले हैं, आउटडोर कॉन्सेप्ट को, आउटडोर किचन कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। सर रामेश, ऐसा हालात भी आपने बहुत अप्स एंड डाउन आप लोगों ने देखे हैं, उसके बाद फिर आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं, तो क्या जब YouTube आपने स्टार्ट किया या जब बाबा को आप YouTube पर लेकर आए थे तो पता था कि हम इतना फेमस हो जाएंगे और माशाल्लाह इतने बड़े घर में रहेंगे? मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, और ना ही मैंने इस कॉन्सेप्ट से या ये सोच के YouTube स्टार्ट की थी कि मुझे यहाँ से कोई अर्निंग होगी। मैंने तो सिर्फ उसको इसलिए स्टार्ट किया था कि जो हमारा टैलेंट है वो हम लोगों तक पहुंचा सकें। लेकिन बात यह है कि आप अपना जब काम है सिद्ध के दिल से, सच्चे दिल से करते हैं, तो अल्लाह ये सब कुछ तो ऐसे ही दे देता है, बस ऐसे गिफ्ट कर देता है सब कुछ। जो भी यहाँ पे जो भी सेटिंग है, कलर्स वगैरह, ये भी सब बाबा की पसंद की, ये भी यहाँ पर आप डायरेक्शन और कहते हैं प्रोडक्शन के बाद आप इंटीरियर डिजाइनर भी हैं? बस वो सब काम अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम मैं ही देखता हूँ, बट अभी क्योंकि हम न्यूली शिफ्ट हुए हैं तो यहाँ पे ये सारे जो सोफाज वगैरह हैं सब कुछ ये न्यू आना है, उसका ऑर्डर जो है वो हमने कर दिया हुआ है, तो इंशाल्लाह यहाँ पे बहुत जल्द आपको एक न्यू सेटअप हर चीज़। अभी ये पुराने घर की चीज़ें यहाँ पे आई हुई हैं, नया जो फर्नीचर था उसमें भी थोड़ा टाइम है, तो वो आएगा तो इसकी एक प्रॉपर लुक आपको। ठीक है रामेश, मुझे ये बताएं कि लाहौर आने का क्या मकसद था, क्या आप लाहौरियों के दिल पर भी छाने आए हैं यहाँ? वैसे तो हम सबके दिलों पर छाए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बट बेसिकली हमारा मकसद ये था कि हम चाह रहे थे कि हम अपने काम को, अपने प्रोडक्शन को मजीद बढ़ाएं और लोगों के साथ काम करें और ब्रांड्स के साथ काम करें। तो बेसिकली अब जिस तरह आप नारोवाल तो नहीं ना आए, आप भी लाहौर ही आ रहे हैं, तो बेसिकली यही मकसद था कि हम और लोगों के साथ इंटरेक्शन करें, अपने काम को और बढ़ाएं। YouTube से महाना कितनी इनकम आप अर्न कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जो लाइफस्टाइल आप हमारा देख रही हैं, अल्लाह का लाख लाख करम है, मेरे पास 7-8 गाड़ियां अल्हम्दुलिल्लाह, ये घर है, इसके अलावा मेरी प्रॉपर्टीज हैं, तो ये सब कहा जाता है YouTube से कमाया, ये सब कुछ YouTube से। मैं इसमें कोई उस YouTube की इनकम अर्निंग के बाद मैंने अपनी इनकम स्ट्रीम्स बढ़ाई हैं, बट उन इनकम स्ट्रीम्स के पीछे जो बैकअप है वो YouTube ही थी। बट अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इतना नवाज दिया है कि अगर मैं आज इस काम को स्किप भी कर देता हूँ, मैं कहता हूँ भाई यूट्यूब को छोड़ देते हैं, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। जब ये सब नहीं था जी, तब आपके किन किन दोस्तों ने साथ दिया? बहुत सारे ऐसे हालात है जब इंसान डीमोटिवेट हो जाता है, लगता है कि हिम्मत हार जाता है, तो कौन ऐसा कोई दोस्त, कहते हैं ना कोई दोस्त है जो आपका साथ देता है, किसी ने साथ दिया या बिल्कुल? देखिए मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि कोई साथ नहीं देता, क्योंकि आप जब भी किसी मकाम पर पहुँचते हैं तो किसी ना किसी के साथ से ही आप पहुँचते हैं, कोई ना कोई आपको कहीं ना कहीं पर सपोर्ट कर रहा होता है।
तो बहुत से लोग इस सफ़र का हिस्सा रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अकेला यहाँ तक पहुँच गया हूँ, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ सिखा दिया, किसी ने कहीं पर थपकी दे दी। खाली ये थपकी दे देना भी बहुत होता है, तो कहीं ना कहीं पर लोग पुश करते रहे, लेकिन जो पहले के लोग थे वो नहीं है साथ। चैनल बनने के बाद वाले लोग ही साथ हैं, पहले वाले साथ नहीं हैं। अब आपके दोस्त जब आपको देखते हैं, जिन्होंने तब साथ छोड़ा था, जब वो अब आपको इस मुकाम पर देखते हैं, तो अब वो किस तरह आपसे मिलते हैं? हंस के मिलते हैं या क्या कहते हैं? वो ये नहीं कहते कि हमें भी सिखा दो ये टोटका, हम भी कुछ इस तरह कर लें? देखें, उसमें 90% तो लोग वो हैं जिनसे मुलाकात नहीं होती, ठीक है, उनकी सिर्फ बातें कानों तक आ जाती हैं, वो शोशे जो है वो कानों तक आते हैं, तो मैं उनको अवॉइड करता हूँ। बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई चैनल बनने के बाद, बहुत से इल्ज़ामात भी लगे, बहुत, हालांकि एक चैनल कुकिंग का है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती रहीं जो नहीं होनी चाहिए थी, वो होती रहीं। लेकिन कामयाब अगर आपने रहना है तो एक काम आपको करना पड़ेगा, खामोश रहना सीखना पड़ेगा। मैंने खामोश रहना, 5 साल हो गए हैं, हमारे ख़िलाफ़ भी वीडियोस आपको मिलेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कहीं पे कोई रिप्लाई, कोई कमेंट का जवाब कुछ नहीं मिलेगा। सो कामयाबी की सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आप खामोश रहना आपको आता हो। अच्छा, बाबा तो खाना पकाते मिलते हैं, आपको भी खाना पकाना? अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रोफेशनल हूँ, मैंने बाबा से सीखा, बाबा ने हालात से सीखा, मैंने बाबा से सीखा, और आज सब पका लेते हैं आप सब कुछ? तो फिर आपकी बेगम तो बड़ी खुश नसीब है, ऐसा शौहर सारे खाने पका लेते हैं, वो तो टेंशन फ्री रहती होंगी, खाना ही नहीं पकाती? बिल्कुल ऐसा ही है, 90-80% जो है वो घर में खाना मैं या बाबा ही बना रहे होते हैं, तो खवातीन टेंशन फ्री है, खाना नहीं पकाना पड़ता। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है रामेश, लास्ट पे आपसे एक मैसेज लेंगे, बहुत सारे यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं या यूट्यूब ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत सारी वजूहत होती हैं, डिसार्ड होकर चैनल छोड़ते हैं, व्यूज नहीं आ रहे, लाइक्स नहीं आ रहे, क्या कहना चाहते हैं उनको? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगा, कामयाबी का एज के साथ बड़ा ताल्लुक होता है। मैं अभी 23 साल का हूँ, लोगों को लगता है पत्नी कामयाबी जो है वो कोई बूढ़े होकर मिलती है, या ऐसा नहीं है। मैंने 19 साल की उम्र में ये सफ़र स्टार्ट किया था, और मैं 19 साल का जब था तो मैं एक पिज्ज़ा शॉप में झाड़ू भी लगाता था, वॉशरूम भी साफ़ करता था, और सिर्फ 18,000 रुपये मेरी पे थी। मैंने वहाँ से 19 साल की उम्र में स्टार्ट किया, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ 4 से 5 साल में। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप कुछ चीज़ ठान लेना तो फिर उसको करना जो है वो मुश्किल नहीं रहता, और टाइम लगता है, टाइम लगता है, चीज़ें टाइम लेती हैं, बहुत लंबा पीरियड था ये यहाँ तक पहुँचना। बट यह कि अगर आप हिम्मत ना हारें, प्रैक्टिकल रहें, और टाइम टेबल अपना जो है उसके पाबंद रहें, और सेल्फ लर्निंग करते रहें, कुछ ना कुछ सीखते रहें, जहाँ से जो चीज़ मिले सीख लें, तो आप भी यहाँ खड़े हो सकते हैं इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ।